बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही है जो कि बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स बनाने वाली है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते की वन ऑफ द टॉप हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्में बनने वाली है। लेकिन दोस्तों इन तीनों ही फिल्मों को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने वाली है पिछले दो हफ्तों से चल रही फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 और केजीएफ चैप्टर 2 दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस में यानी कि हीरोपंती 2, रनवे 34 और आचार्य के अभी तक के टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शंस और बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में साथ ही साथ बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन तीनों ही फिल्मों में अपने पहले दिन की बाजी कौन मार रहा है और केजीएफ चैप्टर 2 क्या इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे हफ्ते इन तीनों ही फिल्मों से आगे निकल पाएगी या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और चिरंजीवी रामचरण के डाहार्ड फैंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म रनवे 34 के बारे में, जिसके लीड में आपको अजय देवगन सर के अलावा अमिताभ बच्चन और रकुलप्रीत सिंह नजर आने वाली है। दोस्तों 29 अप्रैल को रिलीज होने वाली एक मिस्टीरियस फिल्म है जिसे कि लगभग 130 से 140 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया है और इस फिल्म के सामने दोस्तों हीरोपंती 2 भी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के ट्रेलर को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल चुका है। इस फिल्म के गाने भी दोस्तों एवरेज है लेकिन दोस्तों इस फिल्म के सस्पेंस से भरे हुए प्रोमोज ऑडियंस को काफी पसंद आ रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि सुपरस्टार अजय देवगन सर की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते लगभग 2000 स्क्रीन पर रिलीज होकर अपने पहले दिन लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है और बॉक्स ऑफिस पर इस साल की वन ऑफ द टॉप ओपनर फिल्म बन सकती है। इस फिल्म को दोस्तों अगर अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो इस फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन है वो लगभग 12 से 15 करोड़ का भी हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 150 से 200 करोड़ रुपए की भी कमाई कर सकती है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म की जो एडवांस है वो अभी तक पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म ने अभी तक एडवांस में लगभग 35 लाख रुपए की कमाई कर ली है जो कि एक तरह से काफी अच्छी एडवांस है। बात की जाए दोस्तों यहां पर फिल्म हीरोपंती 2 की अभी तक की टोटल एडवांस के बारे में तो दोस्तों बताते चले आपको कि अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली यानी कि 2 दिन बाद रिलीज किया जाना है। इस फिल्म के सामने दोस्तों आपको अजय देवगन की फिल्म रनअवे 34 भी देखने को मिलने वाली है लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी हीरोपंती 2 के लिए ऑडियंस के बीच में काफी अच्छा बज देखने को मिल रहा है। बताते चले दोस्तों आपको कि टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 दिन बाद लगभग 2500 स्क्रीन पर रिलीज करने की प्लानिंग है जिससे कि बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन एक बंपर ओपनिंग मिलने वाली है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को शुरू हुए अभी 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से अभी तक 3.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर दिया है जिससे ही दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हीरोपंती 2 के लिए ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया था। अपने दूसरे ट्रेलर में दोस्तों इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म में बेहतरीन डायलॉग्स की भी भरमार थी और यही वजह है दोस्तों कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 के लिए ऑडियंस की जो एडवांस बुकिंग है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अपने रिलीज से पहले तक दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन के लिए लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए के एडवांस हासिल कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए का रह सकता है। यानी कि दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर फिल्म RRR के हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अपने पहले दिन पीछे कर चुकी होगी। बताते चले दोस्तों आपको कि टाइगर की इस फिल्म को अगर ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने लाइफ टाइम में 150 से 200 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर बन सकती है। वही दोस्तों बात कर जाए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म आचार्य के बारे में जो कि सिर्फ तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर ही रिलीज हो रही है। जी हां दोस्तों आप सभी को बताते चले कि कोर्टाला शिवा के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म आचार्य जिसके लीड में आपको मेगा स्टार्स यानी कि चिरंजीवी सर और मेगा पावर स्टार रामचरण भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों लगभग 150 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर को, टीजर को और इस फिल्म के गानों को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया है। पहले तो दोस्तों ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज होने वाली थी लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म की जो रिलीज है उसे कैंसिल कर दिया है। हिंदी में अब ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही है लेकिन दोस्तों ये फिल्म तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन एक रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग लेने जा रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म की एडवांस को शुरू हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं और इन 3 दिनों में इस फिल्म ने एडवांस से अभी तक 7 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया है जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग एडवांस है। यह फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल लगभग 1600 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है जहां पर यह फिल्म अपने पहले ही दिन दुनिया भर से लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। दोस्तों बताते चले आपको कि आचार्य का इंतजार ऑडियंस काफी बेसब्री से कर रही थी और यही वजह है दोस्तों कि आचार्य इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की वन ऑफ द टॉप ओपनर फिल्म बन जाएगी और केजीएफ चैप्टर 2 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर काफी कड़ी टक्कर देगी। बात की जाए दोस्तों यहां पर केजीएफ चैप्टर 2 के अगले हफ्ते के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज किए आज 14 दिन हो चुके हैं और इन 14 दिनों में इस फिल्म ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन तो एक रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग मिली थी वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में 750 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर दिया था। दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है और यही वजह है कि इस फिल्म का अपने दूसरे हफ्ते का जो कलेक्शन है वो भी काफी धमाकेदार रहा है। दोस्तों हिंदी में इस फिल्म ने अभी तक 336 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी
आज के कलेक्शंस मिलाकर दोस्तों ये फिल्म पीके, संजू और टाइगर जिंदा है जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है और आज हिंदी में लगभग 7 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 343 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है। तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 125 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज पार कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 950 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज पार कर रहा है। आज दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 18 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है जिससे कि इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 953 करोड़ रुपए का हो चुका होगा और केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। हालांकि दोस्तों अगले हफ्ते इस फिल्म के सामने 3 बड़ी फिल्में आ रही है लेकिन दोस्तों जिस तरह की कमाई केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कर रही है उम्मीदें हैं दोस्तों कि इस हफ्ते भी यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तीनों ही बड़ी फिल्मों को टक्कर देते हुए काफी अच्छी कमाई कर ले और लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए की कमाई हिंदी में इस हफ्ते भी ले ले। यानी कि दोस्तों इस हफ्ते अगर इस फिल्म को 8 से 9 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिलती है तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है और लगभग 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई हिंदी में कर सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस हफ्ते हीरोपंती 2, आचार्य और रनवे 34 क्या इस फिल्म को टक्कर दे पाएगी या नहीं? हमें अपने मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। फाइनली दोस्तों आज केजीएफ चैप्टर 2 को इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 2 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं और इन 2 हफ्तों में दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसे नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं जो कि आज तक ना ही बाहुबली ने बनाए थे और ना ही RRR ने। दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 ने आज अपने 15वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक और नया इतिहास रच दिया है और ये फिल्म इंडियन सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बनी है जिसने कि 4 लैंग्वेज में 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं के बारे में और जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने कौन कौन से एरिया से कितने कितने करोड़ की कमाई कर ली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश, सुपरस्टार संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी और अभिनय टंडन के डायहार्ड फैंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट की। तो दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई है जिसे कि सिर्फ इंडिया में 6,500 स्क्रीन मिली थी और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10,000 स्क्रीन मिली है। इस फिल्म को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से अपने पहले ही दिन से धमाकेदार रेस्पॉन्स मिला है। साथ ही साथ दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को आउटस्टैंडिंग रिव्यूज दिए हैं। बताते चले दोस्तों आपको केजीएफ चैप्टर 2 कन्नड़ा सिनेमा के केजीएफ चैप्टर 1 के लाइफ टाइम कलेक्शन को दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा भाषा में पीछे कर दिया था। साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म के लाइफ टाइम को सिर्फ 2 ही दिनों में पीछे कर चुकी थी। बताते चले दोस्तों आपको कि केजीएफ चैप्टर 2 का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक का जो टोटल कलेक्शन है वो लगभग 800 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका है। साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो आज 970 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के एरिया वाइज और डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों अपने पहले हफ्ते इस फिल्म ने हिंदी में जहां लगभग 270 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते इस फिल्म का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन है वो 343 करोड़ रुपए का अपने शुरुआती 14 दिनों में हो चुका था। आज ये फिल्म 350 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम टॉप 3 हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के कर्नाटक बॉक्स ऑफिस की तो कर्नाटक बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुआती 13 दिनों तक 130 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। अपने 14वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने कर्नाटक बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं 3,20,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों आज ये फिल्म अपने 15वें दिन भी 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है जिससे कि इस फिल्म का सिर्फ कर्नाटक बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 136 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुआती 13 दिनों तक 121.05 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। अपने 14वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने तेलुगु में कमाए हैं 1.5 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों आज ये फिल्म अपने 15वें दिन भी तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर 1,40,00,000 रुपए की कमाई कर रही है जिससे कि इस फिल्म का तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन है वो 123.40 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों तमिल बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को थैलापेथी विजय की फिल्म बिस्ट से काफी कड़ा कॉम्पिटिशन मिला था लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास की पहली फिल्म बनी है जिसने कि तमिल बॉक्स ऑफिस पर भी 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया है। जी हां दोस्तों आप सभी को बता दे चले कि तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुआती 13 दिनों तक तो लगभग 82 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। अपने 14वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं दोस्तों आज भी इस फिल्म के जो तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो 2,80,00,000 रुपए के आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों ये फिल्म तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर लगभग 87 करोड़ रुपए के आंकड़े को अभी तक पार कर चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों जिस तरह का ट्रेंडिंग ये फिल्म तमिल में कर रही है जल्द ही ये फिल्म
फिल्म 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी होगी। बात की जाए दोस्तों केरला की, तो मलयालम बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अभी तक 55 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन है वो 800 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। ओवरसीज बॉक्स ऑफिस को मिलाकर यह फिल्म 970 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है और इंडियन सिनेमा की पहली फिल्म बनी है जिसने की इंडिया की चार बड़ी भाषाओं में 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया हो। इसी के साथ दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के रिकॉर्ड्स की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले और अपने दूसरे हफ्ते में कलेक्शंस के मामले में बाहुबली 2 को हिंदी में पीछे कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी यह फिल्म ट्रिपल आर से आगे निकल चुकी है। इस फिल्म का दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो अब इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों पर डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों इस हफ्ते केजीएफ चैप्टर 2 की जो स्क्रीन से वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से इस हफ्ते अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर आसानी से 1200 से 1300 करोड़ रुपए की कमाई करके इंडियन सिनेमा की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या केजीएफ चैप्टर 2 ट्रिपल आर के 1150 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी या नहीं?